विधानसभा चुनाव सर पर आते ही सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आज करनाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाएगी। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। अशोक तंवर द्वारा दिए गए बयान की जितना साथ हुड्डा ने मुझे दिया उतना ही मैं भी दूंगा, पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये उनका अपना मामला है। मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा में एनआरसी का समर्थन करते हुए हुड्डा ने कहा कि अवैध विदेशियों को बाहर निकालना सरकार का काम ही और ये देश के कानून में है। उनसे उलट शैलजा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पास और मुद्दे नहीं है सरकार के पास। 5 सालों से क्यों चुप रहे? चुनाव के नजदीक आकर ऐसा कहना केवल चुनावी हथकंडा है। करनाल जो आज आए हम कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी जोश है और जो चुनाव आने वाला है उसमें सब कार्यकर्ता मिलकर मेहनत कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। पूरी मजबूती मिलेगी, बड़ा भारी जोश है और वो जोश कायम रखेगा। अपने अपने बूथ पे अपने वो लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेसी सरकार बनेगी। देखिए हरियाणा की सीट 90 हैं, वो कह सकते हैं 90 में से 110 हम ले आएंगे, कौन रोकेगा? लेकिन उसकी कितनी सीट आएगी तो लोग फैसला करेंगे। आपने देखा जो जोश देखा लोगों का उस हिसाब से यही फैसला करेंगे, कांग्रेसी सरकार बनेगी, कांग्रेस का बहुमत आएगा। आपने भी कोई लक्ष्य रखा सर, कितनी सीटें? हमने बहुमत के है, हमारे बहुमत आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 45-85? नहीं, बहुमत से, अच्छे बहुमत से आएगी। पहले कितनी आए थे सर? 20 बार। अभी मीटिंग होगी हमारी और उसके बाद होगा। जैसे सर करनाल है, मान लो देखो इतने टाइम से संगठन भी नहीं था, कांग्रेस काफी पीछे भी होगी, अब ऐसे में अगर कैंडिडेट ही कांग्रेस लेट करेगी तो कैसे सफर तय होगा? नहीं, कांग्रेस लेट क्यों करेगी? समय पर कर देगी, चुनाव डिक्लेयर होंगे जब भी कर देंगे। जल्द कांग्रेस भाजपा से पहले? नहीं, अभी डिक्लेयर होते हैं, हम जल्दी करेंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष बनने से गुटबाजी खत्म होगी? गुटबाजी कोई नहीं है कांग्रेस। गुटबाजी कोई नहीं है, वो उनकी वो है, लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। इन्हें कहा वो पार्टी फैसला करेगी। देखिए ऐसा है, ये देश का कानून है, विदेशी आदमी देश में नहीं रह सकता। ये 5 साल तक तो सोते रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है आइडेंटिफाई करना और कोई विदेशी है तो उसको बाहर निकालना। तो आप इसके पक्ष में सर? मैं कानून है देश का, कानून के खिलाफ थोड़ा ही, मैं कानून के पक्ष में हूँ कि विदेशी आदमी नहीं रहना चाहिए। मतभेद हो सकता है? आप अभी बात करते हो, एनआरसी कौन सा इशू था? 5 साल इन्होंने क्यों नहीं उठाया? आज कौन सा उठा रहे हैं जब इनके पास कुछ और कहने को नहीं है? विकास की बात कर नहीं पा रहे हैं ये, कुछ इन्होंने डिलीवर किया नहीं है तो आज एनआरसी उठा लिया? इनको एनआरसी आज याद आ गई? चुनाव जब बिल्कुल सर पर है तो क्या एनआरसी को ये मुद्दा बना रहे हैं? असली मुद्दों पर आए। चुनावी स्टंट 100% है, वरना ये पहले कुछ बात करते हैं किसी से, जब ये मुद्दा ही नहीं है हरियाणा में, आज कहाँ से इंपोर्ट करके लाए हैं ये? बायोडेटा हर तरह के आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, सबका अधिकार है बायोडेटा देना, अपनी दावेदारी रखना, लेकिन कांग्रेस पार्टी सब लोग मिल बैठ कर फैसला करेंगे कि हम बेस्ट कैंडिडेट उतारें, कुछ नए चेहरे हों, कुछ अनुभवी लोग हों, तो हर तरह से कोशिश होगी। नहीं, अब नहीं होगा, अब कैसे होगा? देख, एक बात समझ लीजिए, अगर कोई हमारे पदाधिकारी भी बनते कांग्रेस पार्टी के, अब तो टू लेट हो गया, तो वो इन्हीं कार्यकर्ताओं में से तो बनने थे, तो ये वैसे ही एक्टिव हैं, तो चुनाव में सब एक्टिव होकर काम कर रहे हैं और करेंगे। हाँ, चुनाव के बाद हमारी मेंबरशिप भी होगी और हम सही ढंग से एक संगठन बनाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें, ये स्वाभाविक होता है। देखो, जब टिकट मांगते हैं कई लोग वहाँ एक ही जगह से मांगते हैं, और ये भी होना अच्छा है, अच्छी हेल्दी बात है,
कितने लोग वहाँ पर मजबूत हैं जो चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो मैंने ये कहा है कि भाई सब लोग अपनी दावेदारी रख सकते हैं, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत पीछे चली गई थी, आपने खुद ही मन से कहा कि टिकट लेने अरे 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 अभी आप देखो ना, पहले जिस तरह से पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे लोगों को बरगलाया, तो लोकसभा में हम 10 सीट नहीं जीते थे ना, तो उस समय से आज में तो बिल्कुल विपरीत हो गई है स्थिति। यहाँ पर अब हरियाणा के लोग जवाब मांगेंगे, तो हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, तो स्थिति तो बिल्कुल बदल गई है। अशोक तंवर ने कल कहा है कि जो लोग लोकसभा चुनाव में हारे हैं, पार्टी कर लेगी फैसला, उनका सुझाव हो सकता है पार्टी फैसला कर लेगी। अब पार्टी देखेगी कि उनका सुझाव मान लेंगे या नहीं मानेंगे। महिलाओं को, नए चेहरों को तवज्जो देंगे, और जैसे सामाजिक प्रारूप है हमारा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसका बहुत अच्छा असर है, हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी में लोग इतना, जैसे लोकसभा में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की मजबूती को सभी लोग पहचान रहे हैं, और दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ कर कांग्रेस में, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हुए आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में शरीक हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।